सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सीजन है और घर के बाहर ढोल बजना शुरू हो जाता है ताकि आसपास के लोगों को पता लग सके किस घर में शादी है और सभी तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन ये तस्वीरें किसी शादी समारोह की नहीं है बल्कि सोनीपत लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह ढोल बजा रहे हैं और ये ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन है। ग्रामीण ये ढोल इसलिए बजा रहे हैं ताकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जगा सके। ग्रामीणों ने इससे पहले भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सड़कें टूट चुकी हैं, जहां से आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीण ढोल लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर पहुंच गए, जहां पर वो अब ढोल बजा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दर्जन भर गांव की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों ने ठीक नहीं करवाई। वहीं शहर की सड़कों के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हैं और जो पेंच वर्क का कार्य किया जा रहा है वो भी सिर्फ लीपा पोती की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आदित्य देशवाल ने बताया कि आज ग्रामीण उनके पास पहुंचे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में जो ग्रामीण और शहर की सड़कें आती हैं उनका जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। सोनीपत जो क्षेत्र है उसमें ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, जो वहां पर जो रोड की हालत बहुत ही खराब है, कई कई फुट के गड्ढे बने हुए है। अब चिटाना देख लिया, चिटाना से जो माजरजा है, करेवड़ी से माजरा है, पुरखास रोड है, संदर खुर्दी के पास है, कमी भूरी रोड है, गीता भवन चौक है, रोहतक रेलवे स्टेशन के पास जो रास्ता है, रोहतक फ्लाईओवर के पास है, पूरे जिले में रोड टूटे हुए है बिल्कुल। हमने कई बार लिखित शिकायत PWD कार्यालय को दी, बारम्बार हम प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, आम आदमी को तकलीफ हो रही है, रोजाना एक्सीडेंट हो रही है, रोजाना डेथ हो रही है एक्सीडेंट में और रोडों की वजह से हो रही है। प्रशासनिक कानून में कोई भी जू नहीं जागी। आज प्रशासन जो सोया हुआ है उस प्रशासन को जगाने के लिए हमने ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ पे प्रदर्शन किया है PWD कार्यालय में। देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र में खिजरपुर जाट माजरा ठिकाना के एक दो लिंक है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है और खिजरपुर जाट माजरा का जो है टेंडर लगाया था जनवरी के महीने में और उसमें चार एजेंसी आई थी, चारों नॉन रिस्पॉन्सिव थी। उनका हमने दोबारा टेंडर कॉल किया, उसका जो ठिकाना से जो लिंक है उनका जो है एस्टिमेट ऑलरेडी सबमिटेड है, अप्रूवल अभी अवेटेड है गवर्नमेंट से। टिल देन जहाँ जो भी पैसा रिक्वायर्ड होगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है उसको मैं इंश्योर करूँगा कि विद इन 10 डेज जो है उसको कर लेंगे। जो बाकी सड़कें हैं वो अभी मुझे लिस्ट देंगे, मैं कंसर्न जो एक्शन है उनके साथ शेयर करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको जल्दी ठीक करो। सर, कोई भी सड़क अगर बनती है उसकी मियाद होती है, कब तक होती है, कितनी मियाद होती है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या हुई है। अगर सिंपली एक बिटुमिनस लेयर आई है तो वो ट्रीटमेंट ही आपकी 2 साल के लिए वैलिड होती है, अगर स्ट्रेंथनिंग हुई तो 4 साल होती है, तो डिपेंड करता है कि क्या काम हुआ है। सर, लंबा समय हो गया, ग्रामीण परेशान है, अलग अलग जिस प्रकार आपके अधिकार क्षेत्र की काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जहां काफ़ी गड्ढे हैं लेकिन निदान नहीं हो रहा और लोग जो हैं बार बार परेशान हैं, काफ़ी हादसे होते हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सर, मैं ये कहूँगा गड्ढे नहीं है, पैचेज हैं, नाली गड्ढे गड्ढे हैं जी। नहीं, मैं देखो, मैं खिजरपुर जाट माजरा पे मैं गया हूँ, मैंने देखी है, वहाँ ऐसा कोई गड्ढा नहीं है। चिटाना की आप सड़कें बता रहे हो, चिटाना में हमने नवम्बर के दौरान एक बार रिपेयरिंग कराई थी और उसके बाद अगर कुछ फर्दर डेवलपमेंट हुई है कोई गड्ढे बने तो उसको भी मैं करा दूंगा। फिर सर, कमी रोड का क्यों नहीं काम? सर, कमी रोड का जो है HSRDC डील कर रही है, स्टेट PWD नहीं कर रही है। सर, पैचेस क्यों हो रहे हैं सर, ये घटिया सामग्री लग रही है इनमें? पैचेस तो देखो, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, कोई चीज़ बनेगी तो रिपेयरिंग भी मांगेगी। तो कुछ प्रावधान होता होगा इतने साल बाद भाई सड़क खराब हो? लेकिन बताया ना, वो महीने बनते ही तब वो कुछ नहीं बताया, वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या हुई है। और जहाँ आप 6 महीने कह रहे हो, अभी आपसे एक बंधु ने कहा है कि कई साल पहले बनी है।